हेलो दोस्तों, आदिवासी मिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम एक आदिवासी प्राकृतिक त्यौहार के बारे में बात करेंगे। साथियों, पूरी दुनिया में आदिवासी लोग इस त्यौहार को किसी न किसी रूप में मनाते हैं। हमारा देश के अधिकतर राज्यों में इस त्यौहार को धान की फसल खेतों से कटाई कर लेने के बाद नए धान को खाने की शुरुआत करने से पहले नवाखाई नवाई त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में जब खरीफ की फसल जैसे मूंग, चौले, भादी, काकड़ी, काचरा और भुट्टे आदि खेतों से तैयार हो जाती है, इस फसल को पकाकर खाने से पहले नवाई त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार हर गांव में अलग अलग दिन मनाया जाता है ताकि एक गांव के लोग आपस में दूसरे के गांव का त्यौहार को मनाते हैं। युवा बुजुर्ग सब रात भर गरबा नृत्य, हाथों से ताली बजाकर कुंडली नुमा नाचना करते हैं। नवई त्यौहार का दिन निर्धारित करना, गांव के पटलिया, वारतिया, गांव डाहला, पुजारिया, टोलो, फलियों के मुखिया, बड़वा और गांव कोटवार आदि लोग मिल बैठकर सर्वसम्मति से बड़वा के भावानुसार नवई त्यौहार की तारीख तय किया जाता है। इस समय पर दारू की बूंदे पांचों तत्वों को याद करते हुए जमीन पर छोड़ी जाती है। पालन, नवई त्यौहार होने तक घर के वरिष्ठ सदस्य पुरखों की आत्मा को सम्मान करते हो नए फसल को नहीं खा सकते हैं। सिर्फ बच्चे नवई त्यौहार के पहले खा सकते हैं। त्यौहार के दिन घर के मुखिया व्रत करते हैं। गोबर एवं लिपाई, नवई त्यौहार होने से पहले घरों में गोबर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नई घास के गोबर का 2 से 2.5 महीने तक इस्तेमाल नहीं करते हैं। नवई त्यौहार के एक दिन पहले गोबर से संपूर्ण घर की लिपाई की जाती है। घर के चूल्हे से लेकर बाहर तक गोबर लिपाई की 1 फीट लगभग चौड़ी लाइन खींची जाती है। गोबर की खासियत यह है कि मिट्टी को तो उपजाऊ बनाता है। वैज्ञानिकों ने गोबर पर नए प्रयोगों एवं शोध में पाया गया है कि गोबर से एटम बम से निकलने वाली किरणों को अवशोषण करने की क्षमता पाई गई है। विषाणु और जीवाणु के प्रभाव को भी गोबर कम कर देता है। घिचड़ी पूजन, बाबा देव बड़ा देव की पूजा। गांव के संपूर्ण लोग मिलकर चंदा करते हैं। उस चंदे से एकत्रित रुपए से बकरे और मुर्गे खरीद कर लाते हैं। बकरे की बलि दी जाती है। मटन के 4-5 टुकड़े सागौन के पत्ते में लपेट कर गांव के हर घर पहुंचाया जाता है। बाद में उस सागौन के पत्ते को घर के दरवाजे पर साजे में दबा देते हैं। पुरानी मान्यता है उससे घर में सही बरकत बनी रहती है। वैज्ञानिक तथ्य यह है, प्रकृति में पारस्परिक तंत्र बना रहता है। नवई नृत्य एवं गीत, गरबा हाथों से ताली बजाकर कुंडली नुमा नृत्य करना एवं गीतों में समय, पर्यावरण, बादल, पानी, पहाड़, नदियाँ, खेत, खलिहान, जानवर, धरती, बाजार, वाद्य यंत्र, पक्षी, प्राकृतिक इत्यादि। धरती अपनी धुरी पर जिस दिशा में घूमती है उसी के अनुगामी नृत्य किया जाता है। यही आदिवासियों का जन्मजात वर्जिश एवं योगा है। बड़वा नृत्य भी किया जाता है जिसमें एक व्यक्ति भाव लिए हुए नाचता है। ब्रह्मांड के संपूर्ण जीवन प्रणाली के हित में गीत गाए जाते हैं। जीवन उत्पत्ति की अवधारणाएं, परिकल्पनाओं से लेकर वर्तमान समय तक का मौखिक वाचन किया जाता है। जो गाता है ढाक के साथ उसे गायना कहते हैं। वास, घर के ऊपर दरवाजे पलाश के पत्तों में पकवान को रखकर छोड़ देते हैं। देवताओं की पूजा, बाप, बाबा, बड़ा देव, रानी काजल माता, आई खेड़ा माता, राजू, पांतू, गांडू ठाकुर, सुडाव, बिलट, काउरानू, निफी, प्रकृति आदि की पूजा किया जाता है। सागौन की लकड़ी की बनी होती है जिसे घिचरी कुलदेवी कहते हैं, पूजा किया जाता है। पारंपरिक वाद्य यंत्र, ढाक, डमरूनुमा होता है, पावो, पिया आदि। इन वाद्य यंत्र की तरंगे संपूर्ण जीव सुनता और महसूस करता है। आदिवासी पहला समाज है जो तरंगों के माध्यम से अपने त्योहारों का निमंत्रण देता है। जंगलों में ग्वाले आज भी वाद्य यंत्र के तरंगों के माध्यम से अपने जानवरों को बुलाते हैं। वैज्ञानिकों से पहले आदिवासियों ने तरंगों को महसूस किया था। पूजा की पद्धति, सर्वप्रथम दाहिने हाथ से दाहिनी तरफ 3 बार पानी तरपते हैं और बाएँ हाथ से 2 बार बाईं तरफ पानी तरपते हैं। पलाश के पत्तों पर नए पकवान को रखा जाता है। फिर महुआ की दारू की बूंदे जमीन पर इस प्रकार से तर्पण किया जाता है। सबसे पहले
चांद, सूरज, आग, हवा, पानी, धरती, अनाज और पुरखों की आत्मा को याद करते हुए धीरे धीरे महुआ की दारू की बूंदें धरती पर गिराते हैं। नवाई के दिन बने पकवान टोले फलिए के प्रत्येक घर से लाया जाता है। आखिर सब मिलाकर सभी बच्चों को बांट देते हैं। घर का मालिक, सब नाते रिश्तेदार मेहमानों को भोजन होने के बाद आखिरी में भोजन ग्रहण करता है। यह परोपकार सेवा में उदारता का परिचय है। यह पुरालेख जय संस्थापक एवं समाज के हर काम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, समाज के आखिरी व्यक्ति के साथ डटकर खड़े रहने वाले विक्रम अच्छालिया जी दादा एवं अनिल सस्त्या एवं पप्पू सस्त्या जी के सहयोग से लिखा गया है। इस लेख के लिए आदिवासी मिस्ट्री चैनल आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सभी को जय आदिवासी, जय जोहार, जय प्रकृति।